हे गाइस, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर आइसोमीटर, जिसका मॉडल है IRDH275। उसका बेसिक रेजिस्टेंस सेटिंग किस तरह किया जाता है, तो रेजिस्टेंस का दो वैल्यू है यहाँ पे, Alarm 1 एंड Alarm 2, दैट इज़ वार्निंग एंड ट्रिप। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सेटिंग्स पे आने से पहले आइसोमीटर में कौन कौन से कनेक्शन होते हैं उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड टॉप में देखें तो कनेक्शन एट अर्थ, तो यहाँ पे दो ग्रीन केबल इक्विपमेंट के बॉडी के साथ कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद नीचे देखें तो कनेक्शन एट लाइफ सप्लाई कंडक्टर, तो वो रेड केबल से है। और अगर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे L1 एंड L2 इंडिकेशन रहता है। उसके नीचे ब्लैक जो लाइन है उसको ट्रेस करेंगे तो वो बटन्स हैं ऑपरेशंस के लिए। टोटल 4 बटन्स हैं, इसके हेल्प से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले का एरो है, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का, जिसको आइसोमीटर मॉनिटर कर रहा है, जिसके रेजिस्टेंस को चेक कर रहा है, वो डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद NONC कॉन्टैक्ट्स हैं नीचे में, तो जब भी कोई वैल्यू अप या डाउन चेंजेस होता है एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट पे, तो उस NONC कॉन्टैक्ट को हम कंट्रोल सर्किट में यूज़ करते हैं। और टॉप पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आइसोमीटर का पावर सप्लाई है, दैट इज़ A1 एंड A2, जिससे आइसोमीटर स्टार्ट होगा। अब आते हैं सेटिंग्स पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेटिंग वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे एक वर्किंग आइसोलीटर है हमारे सामने, सॉरी आइसोमीटर, और उसका मेक है ब्लेंडर। मॉडल नंबर लिखा हुआ है IRDH275। उसका डिस्प्ले हमारे सामने है, और सिंस ये रनिंग कंडीशन में है तो इसका आप रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकते हैं, दैट इज़ 12 किलो ओम्स। तो यूनिट को फोकस में रखिएगा, किलो ओम्स में है इसका वैल्यू। नेक्स्ट इन चारों बटन के हेल्प से हम लोग सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इन्फो बटन प्रेस करते हैं, लेफ्ट साइड वाला। तो एक बार प्रेस करने के बाद जिस मेक का है वो डिस्प्ले में आ रहा है। एक बार और प्रेस करने के बाद फॉर्म वर्जन, और एक बार प्रेस करेंगे तो उसमें Alarm 1 एंड Alarm 2 उसका वैल्यू डिस्प्ले आएगा, दिखाएगा। उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जस्ट एज ए इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले कर रहा है। ये सब हमारे काम का नहीं है। तो एक बार और दो बार और प्रेस करने के बाद वो जो मेन डिस्प्ले है, रनिंग डिस्प्ले, वो दिखा रहा है। तो ये अभी रनिंग कंडीशन पर है। नेक्स्ट सेटिंग्स के लिए मेन्यू बटन को एक बार प्रेस करना है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। पहला एग्जिट है, सेकंड बटन है हिस्ट्री इन्फो, और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आइसो सेटअप, दैट इज़ आइसोमीटर सेटअप। इस जगह पे यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू सेट करेंगे। तो एंटर करेंगे मेन्यू बटन फिर से प्रेस करके। पहला है एग्जिट, दूसरा है Alarm 1 का वैल्यू चेंज करने का, और तीसरा है Alarm 2 का वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन। नीचे चेक कर लेते हैं तो ये सब हमारे काम का फिलहाल नहीं है। वापस आएंगे Alarm 1 पे, यहाँ पे बस इंटर बटन को प्रेस करना है, मेन्यू बटन को एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है 0 के ऊपर, और एक बार प्रेस करने पे वो 2 सेट हो जाएगा, और उसके बाद मेन्यू बटन प्रेस करना है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे आने के बाद एक बार मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो ब्लिंक होगा, और जो भी वैल्यू चाहिए अप एंड डाउन से उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसको 3 सेट किया और इंटर बटन प्रेस किया, इतना ही है। अब ऊपर जाके टच बटन प्रेस करके एग्जिट करेंगे, और इन्फो को आप अगर प्रेस करें तो डायरेक्टली वो मेन डिस्प्ले पे चला जाएगा। चेंजेस करने के बाद एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं Alarm 1 एंड Alarm 2 का वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का वैल्यू पहले 1-1 था, अभी 2 एंड 3 हो चुका है। तो ये जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग है। एंड वापस से आते हैं मेन डिस्प्ले पे। लास्टली जो वायरिंग किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रीन केबल, रेड केबल, और जो आइसोमीटर का मेन केबल है वो है। तो ग्रीन केबल अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, रेड केबल लाइफ पार्ट्स एंड दिस 2 A1 एंड A2। और जो नीचे पार्ट्स है वो है NONC कॉन्टैक्ट्स। जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंजेस होता है या फिर एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो ये यहाँ पे कंट्रोल सर्किट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये था, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।